देखो भाई रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम कैपेसिटेंस देखो जब अभी हमने अभी अभी निकाला जो सीरीज में कैपेसिटेंस था वो कैसा था सी एस इजल टू सी बाई एन मतलब की मिनिमम कैपेसिटेंस था ठीक है जो पैरेलल में निकाला वो था सीपीजिकल टू एन सी मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटेंस ठीक है अब यही करना है कि मैक्सिमम टू द मिनिमम कैपेसिटेंस सी मैक्स बाय सी मिनिमम मैक्सिमम क्या था एन सी ठीक है और मिनिमम क्या था सी बाय एन ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एन सी बाय सी इंटू एन और क्या हो जाएगा ये एन स्क्वायर ठीक है कितना टाइम बढ़ जाएगा एन स्क्वेयर हो जाएगा सी मैक्सिमम बाय सी मिनिमम सी मैक्सिमम बाय सी मिनिमम कितना हो गया एन स्क्वेयर ठीक है ये रहेगा रेशियो मैक्सिमम टू द मिनिमम कैपेसिटेंस ठीक है भाई इसको उतार लो और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ठीक है ले लेना और नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है अभी तक कैपेसिटेंस की बात करते हैं अब एनर्जी की बात करेंगे ठीक है इसको उतार लो और अगली वीडियो में मिलो जल्दी